फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर। आज हम एक सैमसंग प्रिंटर के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये प्रिंटर है जो इसका मॉडल नंबर है ML1676P। इसमें जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत है, जब भी हम अपने प्रिंटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही देखेंगे कि ये लाइट जो है वो रेड में जलने लगती है। ये देखेंगे हमारा प्रिंटर थोड़ा सा इंसलाइज करके उसके बाद ये लाइट जला के इसी पे रुका रहता है। हम इसे कोई भी कमांड या अपने लैपटॉप से कमांड देंगे तो ये कमांड नहीं लेगा। देखिए, हम अपने लैपटॉप से भी कमांड देंगे इसे, ये हम अपने लैपटॉप से इस प्रिंटर को कमांड दे रहे हैं। ये हमने कमांड दिया तो भी ये देखेंगे कुछ भी रिस्पांस नहीं है प्रिंटर में हमारे, जो कि हमारी USB केबल वगैरह भी लगी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे कार्ट्रेज से या पेपर सेंसर से, इन सब से होती है। हमारा पेपर भी लगा हुआ है इसमें, तो इसके हम कार्ट्रेज में देखेंगे। कार्ट्रेज में ये चिप दी होती है, जो ये कार्ट्रेज देख रहे हैं आप, इसमें ये चिप है। ये चिप सेंस करती है, या तो आप इस पर टेप लगा कर चला सकते हैं। अगर आपका ये प्रॉब्लम आए तो आप टेप लगा कर भी चला सकते हैं। वैसे ये जो कार्ट्रिज होती है ये रिफ़िल लायक नहीं होती, ये रिफ़िल होकर सक्सेस भी नहीं हो पाती जल्दी से। तो ज़्यादा करके इस कार्ट्रिज को चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि 101 नंबर कार्ट्रिज बहुत मुश्किल से रिफ़िल हो पाती है, रिफ़िल होकर सक्सेस हो पाती है। तो ये जो हमारा एरर आ रहा है ये हमारी चिप से आ रहा है। तो चिप पे अभी हम अपने टेप लगाएंगे। तो हम इस पे कोई भी टेप लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास ये डॉक्टर टेप है कागज़ की, तो हमने इसे लगा दिया। अब हम अपने प्रिंटर में इस कार्ट्रिज को लगाकर चेक करेंगे डिटेक्शन आती है या नहीं। तो हमारा ढक्कन बंद करने के बाद देखेंगे हमारी जो लाइट है, लाइट ये वाली हमारी जो रेड हो रही थी वो अब ग्रीन हो चुकी है। अब हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप से एक बार फिर से कमांड देकर देखेंगे हमारे प्रिंटर में कमांड आती है या नहीं। ये हमने अपने लैपटॉप से कमांड दी, हमारे प्रिंटर ने कमांड ले ली है। तो ये देखेंगे हमारे प्रिंटर में भी कोई इशू नहीं आ रहा। तो इस प्रकार के किसी भी समस्या के लिए आप सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।